धरती से 16 मिनट की दूरी पर गई थी जान, मौत से पहले दिए ये सबसे टिप्स। 1 फरवरी 2003 का दिन हर किसी के जेहन में आज भी ताजा है। ये वही दिन था जब भारत में जन्मी कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना को लेकर धरती पर पहुँचने वाला था। अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। उसे धरती पर पहुंचने में महज 16 मिनट का समय लगने वाला था, लेकिन अचानक अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क टूट गया और अगले कुछ मिनटों में इसका मलबा अमेरिका के टेक्सास राज्य के डैलस इलाके में फैल गया। उस वक्त कल्पना चावला की वो बात लोगों के दिलों में घर कर गई, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे लौटते समय वो एक हादसे का शिकार होगी। कल्पना चावला के सबसे इस मंत्र आज भी युवाओं के अंदर जोश भर देते हैं और उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा देते हैं। कल्पना चावला ने कहा था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता तो तय होता है, मगर क्या आप में इसे ढूंढने की इच्छा है? उसे पाने के लिए उस मार्ग पर चलने का साहस है? क्या आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ हैं? कल्पना ने कहा था, कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप बस इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और उसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो, तब आप खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला हमेशा युवाओं से सपने को साकार करने की बात पर जोर देती रही। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसको साकार करने का प्रयास करो। इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक औरत हैं, भारत से हैं या फिर कहीं और से। आप जब तारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व किसी विशेष भूमि के कारण नहीं बल्कि सौर मंडल के कारण है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना अपने पिता बनारसी लाल चावला और मां सनज्योति चावला की लाडली थी। कल्पना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से की। इसके बाद चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। कल्पना के कदम यही नहीं थमे। कल्पना आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। कल्पना को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर टीम में शामिल किया गया और उन्हें 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। 1997 में अपनी पहली यात्रा के दौरान कल्पना ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे। वहीं कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 से शुरू हुई थी, लेकिन जब अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौट रहा था, तभी वे क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कल्पना चावला के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी।